यूट्यूब ऑनलाइन माध्यम से पवित्र गिरजा उपासना में सहभागिता रखने वाले ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों को हमारे NWGL चर्च माउंटबेली मंडली की ओर से स्वागत करते हैं और सबों को यीशु के मधुर नाम से यीशु सहाय जानते हैं। आइए आज का पवित्र उपासना शुरू करते हुए हम लोग साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 273 यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। Thank you.
खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। रोमी 3:23-24, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु मंडली के संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्वसी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपने निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा से नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मानों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभु तक करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर आनंद जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय दो पाठ वचन पढ़ा जाएगा। पहला पाठ वचन भाइयों के द्वारा और दूसरा पाठ वचन बहनों के द्वारा पढ़ने की अगुवाई किया जाए। पहला पाठ वचन हमें मिलता है मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 7:31-37। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 7:31-37 और दूसरा पाठ वचन हमें मिलता है यशायाह नबी के किताब उसका 29:17
17 पद से लेकर 21 पद तक, यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय 17 पद से लेकर 21 पद तक। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मरकुस अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37, जिसमें बहिरे और हकले व्यक्ति को चंगा करने के बारे में लिखा गया है। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और उससे कहा, इफत्ता, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ भी किया सब अच्छा ही किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन है यशायाह 29 पद संख्या 17 से 21 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन यों कहता है, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे, जिन्हें अभी कुछ नहीं सोचता, वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इसराइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब नष्ट किए जाएंगे। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़ने वाले भाई और बहनों को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यों कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठे इस समय हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 315, साक्षी वाणी गीत नंबर 315।
हमें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का सेना यहोवा पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित हमारे एकलौते जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे अथाह दया अनुग्रह और प्रेम के लिए जो हमारे के जीवन में तूने बहुत याद से उंडेला है। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर के इन दिनों समय हम विपरीत परिस्थिति में इस रोग महारोग मारी महामारी कोरोना इस महामारी से पिता परमेश्वर पूरे संसार चिंतित भयभीत है और पिता परमेश्वर कहर रहा है कराह रहा है पिता परमेश्वर। उस स्थिति परिस्थिति में हम सबों को तूने जूतों के बीच जूते श्वास में तो रखा है और निश्चय पिता परमेश्वर आज हमें सुंदर मौका दिया कि यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरे ख्रिस्त विश्वासी भाई और बहने हैं तेरे जीवित वचन का सहभागिता रखने का हम शु अवसर पाते हैं, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र उपस्थिति चाहते हैं परंतु तू पवित्र पवित्र यहोवा परमेश्वर है और तू चाहता है कि हमारे शुद्ध और पवित्र हो के तेरे सम्मुख आवे, इसलिए पिता परमेश्वर सर्वप्रथम हम सभी को अपने सारे गुनाह अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। हमारे हरे गुनाह अपराध को तू आप यीशु नाम से क्षमा कर दे और पिता परमेश्वर अपना आत्म पवित्र आत्मा दे कि पिता परमेश्वर तुझमें होकर इस समय जो हमारे लिए तो जीवित वचन ठहराया है उस जीवित वचन को हम मनन करने पाए चिंतन करने पाए जिस जीवित वचन से हमें उधार त्राण और अनंत जीवन मिलता है। पिता परमेश्वर हम निर्बल दुर्बल बुद्धिहीन ज्ञानी हैं, तू आप ही पवित्र आत्मा से हमें सहायता अगुवाई कर कि तेरे जीवित वचन के गुण बातों को हम समझने सके और वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए उसी के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत करने हरे बनने पाए। पिता परमेश्वर तू आप ही हमारे को सहायता अगुवाई कर, प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, अनुग्रह से सुन स्वराज में ग्रहण करते हैं, आमीन। तो आज का ठहराया हुआ जो उपदेश वचन जो हमें मिलता है पत्री वचन से जो कुरिन्थियन मंडलियों के लिए पौलुस प्रेरित का पत्री वचन दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 4 से लेकर 11 पद तक, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3:4 पद से लेकर 11 पद तक, इसमें परमेश्वर के जीवित वचन यूं कहता है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपने ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने का योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है, और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाला वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा, आमीन। आज का पवित्र उपासना में सहभागिता रखने वाले ख्रिस्त विश्वासी भाई बहनों पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि निश्चय हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से आज त्रिनितिस काल का 12वें रविवार में पहुंचते हैं और निश्चय फिर से आज हमें परमेश्वर की संगति में आने का हम एक सुंदर मौका पाते हैं।
निश्चय पिता परमेश्वर महान है और आज के वचनों में परमेश्वर का उस महानता को हम पाते हैं। जैसे आज का वचनों का मूल बात इस प्रकार है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से हम नई वाचा का सेवक बनने सकते हैं। दूसरा है, यीशु पर विश्वास करने से हम आत्मिक और शारीरिक चंगाई और नया जीवन पाते हैं। जैसे आज का पत्री वचन में पौलुस प्रेरित कुरिन्थी मंडलियों को साथ में आज हम सबों को एक सुंदर बात बताना चाहता है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं। तो आज हम सबके साथ पाप के कारण नाश और विनाश हो चुके थे, परंतु परमेश्वर के अनोखे योजना के द्वारा आज मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर के संगति में आने पाते हैं और उसका भरोसा हम रखने पाते हैं। हम इसी हमारे इस योग्य नहीं है कि हम अपने विषय में कुछ विचार कर सके। जैसे एफिसी 3:12 में हमें मिलता है, हमको उस पर विश्वास करने से हियाव और भरोसा से निकट आने का अधिकार है। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से आज हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। निश्चय हम जानते हैं कि जो पाप करने के द्वारा हमारे परमेश्वर के दूरी हो चुका था, और जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट के क्रूस मृत्यु और जी उठने के द्वारा उस पाप रूपी खाई को दूर कर देता है और हम सबों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है, वही बात को आज यहाँ पौलुस बताना चाहते हैं कि अब आज हम यीशु मसीह पर भरोसा रखने से हम परमेश्वर पर निकट परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। जैसे दूसरा कुरिन्थी 2:16 में हमें एक सुंदर क्वेश्चन हमें मिलता है, जिसे कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध और इन बातों के योग्य कौन है। तो यह एक सुंदर क्वेश्चन जो दूसरा कुरिन्थी 2:16 में दिया है और उसी का उत्तर हमें यहाँ मिलता है जो आज का उद्देश्य वचन में, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात की विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो आज हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जो कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करने से हमें उस योग्यता मिलता है। और आगे वो कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने का योग्य भी किया। नई वाचा आज हमारे यीशु मसीह है, जो हम जानते हैं यहाँ आगे में हमें मिलता है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आज यह शब्द का सेवक अर्थात जो मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को कहा जाता है शब्द का सेवक, लेकिन आज हमें उस नई वाचा, आज हमें उस नई व्यवस्था जो हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट है उसका सेवक होने के लिए आज हमें परमेश्वर की ओर से हमें योग्यता मिलती है। तो यह हम देखते हैं मत्ती 26:28 में कि हमें एक नई वाचा जो हमें एक जीवन देता है, जैसे कहता है आत्मा जिलाता है। आज हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो आत्मा है वो हमारे निमित्त नई वाचा है। जैसे मत्ती 26:28 में कहता है, क्योंकि यह वाचा को मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है।
मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं कहता है कि आ जाए उनका बहाए हुए लोहू, उसका मांस और लोहू आज हमारे लिए ठहराया गया है, आज हमारे लिए नई वाचा है और उस नई वाचा आज हमें जिलाता है। परंतु जो शब्द अर्थात जो पुरानी व्यवस्था जो मूसा नबी के द्वारा इसराइलियों को दी गई थी परमेश्वर की ओर से, उस वाचा मनुष्य का पाप क्षमा नहीं करता है, मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है। उस व्यवस्था इसलिए दी गई थी क्योंकि उस व्यवस्था मनुष्य को पाप को सूचित करता है, मनुष्य का पाप को बतलाता है, लेकिन मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग रोमी 5:20 में हम लोग पाते हैं कि वाचा इसलिए आया कि अपराध बहुतायत से हो और प्रभु यीशु ख्रीस्त के आने से अनुग्रह भी उससे कहीं और अधिक हुआ। तो हमारे जो उस समय जो हमें दास संज्ञा या अर्थात मूसा नबी के द्वारा दी गई व्यवस्था हमारे पाप को सूचित करता है, अर्थात उस व्यवस्था आने के द्वारा मनुष्य का पाप बढ़ गया और प्रभु यीशु ख्रीस्त के आने के द्वारा हमें बहुतायत का जीवन मिला। जिसे रोमी 3:20 में कहता है, व्यवस्था से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यह जो उस समय मूसा नबी के द्वारा दिए गए व्यवस्था हमें पाप क्षमा नहीं कर सकता है, मनुष्य का पाप क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य का पाप को पहचान कराता है, पाप को सूचित करता है। इसलिए यहां कहा गया है कि शब्द मारता है अर्थात व्यवस्था मारता है और आत्मा अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो हमारे नई वचन है हमें जीवन देता है। और यहाँ और एक शब्द कहा गया है कि मृत्यु की वाचा कहा गया है, मृत्यु की वाचा अर्थात वही दास संज्ञा जो परमेश्वर की ओर से पत्थर से खोदे गए जो इस्राएलियों के लिए दी गए थे, उसको मृत्यु की वाचा भी कहा जाता है क्योंकि उस दास संज्ञा अर्थात उस व्यवस्था मनुष्य को उद्धार नहीं कर सकता है, इसलिए उसको मृत्यु के वचन भी यहाँ कहा गया है। जैसे यहाँ हम लोग पाद 11 में हम लोग पाते हैं कि शब्द अर्थात व्यवस्था घटता जाता है, अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि जब मूसा व्यवस्था लाया तो उसका मुंह को इस्राएली लोग देख नहीं सके, इतना तेजोमय हुआ कि परमेश्वर के समूह परमेश्वर के साथ बात करने के द्वारा उसका मां इतना तेजोमय हुआ कि इसराइल उसको देख नहीं सके। जैसे निर्गमन 34:29-30 में मिलता है, लेकिन हम देखते हैं जब हम उस निर्गमन को पढ़ते हैं, जब जब मूसा उस परमेश्वर के सम्मुख में जाता था अर्थात उस संदूक के पास जाता था, परमेश्वर से बातें करता था, उसका तेजोमय बढ़ता था। परंतु हम देखते हैं कि जब नई वाचा अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट इस जगत में जब आए तो एक नई वाचा है और वो उससे भी कहीं तेजोमय है। कहने का मतलब ये है कि जब उस व्यवस्था जो मनुष्य का पाप को सूचित करता है, उस व्यवस्था को लाने के द्वारा मूसा का चेहरा जैसे तेजोमय होता है, लेकिन वो व्यवस्था घटता जाता है अर्थात मूसा का उस तेजोमय घटता जाता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो हमारे नई वाचा है वो स्थिर है, वो अटल है और सदा सर्वदा तेजोमय प्रकाशमय है। तो जबकि उस पापी ठहराने वाला अर्थात मनुष्यों का पाप को सूचित करने वाला व्यवस्था तेजोमय हो सकता है, तो हमारे जो जीवते हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो हमारी नई वाचा है जो सदा सर्वदा स्थिर और सदा सर्वदा तेजोमय रहता है, यदि उसमें स्थिर और अटल हम बने रहते हैं तो हमारे जीवन सदा सर्वदा
उसे प्रकाशमय, उसे उजालामय बने रहता है। लेकिन यहां में देखते हैं कि मूसा जिस तरह व्यवस्था पुराना होते गया, मूसा का उस तेजोमय घटता गया, अर्थात साधन घटता गया, अर्थात व्यवस्था घटता गया और मूसा का उस तेजोमय भी घटता गया। परंतु हमारे जो नई वाचा जो हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट है उनका तेजोमय अर्थात उनका प्रकाश सदा सर्वदा स्थिर है और उस पर हम बने रहने से और उस नई वाचा पर चलने से आज हम सदा सर्वदा तेजोमय प्रकाशमय बने रहते हैं दूसरों के लिए। आज हमारे जीवन ऐसे जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट से हमें प्रकाशमय जीवन दिया है, जो अंधकार में है, जो पाप में है, जो बुराई में है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उस अंधकार में आज हमें प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सेवक बनकर, नई वचन का सेवक बनकर आज हमें प्रकाशमय करना है, अर्थात परमेश्वर के सम्मुख उन सबों को लाना है। ख्रीष्ट में प्यारो, आज यहां हम देखते हैं आज के पाठ वचनों में कि जब हम यीशु ख्रीष्ट जो हमारे नई वचन है उस पर विश्वास करने से, उस पर अटल रहने से आज हमें आत्मिक और शारीरिक चंगाई मिलता है, वरन हमें नई जीवन मिलता है, नई जीवन मिलता है। जैसे मूसा नबी, जैसे यशायाह नबी, आज का जो पाठ वचन में जो यह हम पाते हैं 17 से जो 21 पद तक, 29 अध्याय का 17 से 21 पद में, क्या अब थोड़ी ही दिन बीतने पर लेबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा। जैसे आज का पाठ वचन में जो यशायाह नबी जो भविष्यवाणी करता है उस इसराइलियों के लिए जो लेबानोन पहले जो जंगल जंगल था अर्थात पाप से भरी हुई था, लेकिन यहाँ कहता है कि यशायाह नबी कि वो लेबानोन फिर से फलदाई बारी बन जाएगा, फिर से फल देने वाली फलों का वृक्ष का बगान बन जाएगा। जैसे यशायाह 32 का 15 से 17 में पता मिलता है हमें, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब तक उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। तो यहाँ अच्छी रूप से जैसे नबी कहता है कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर नहीं आता है, अर्थात जब तक इसराइली अपने मान नहीं फिराते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तो तब तक वे उस जंगली झाड़ों के नए इस जंगल के सरीखे वे उनका जीवन होगा। लेकिन जब यहाँ मिलता है कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला जाता है तब जंगल फलदायक बारी में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं इसराइली लोग उस जंगल से फलदायक बारी में वे परिवर्तित होते हैं और यहाँ वहां देखते हैं और उस बगान में बाहर पुस्तक को सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें कुछ भी नहीं सूझता है वे देखने लगेंगे, अर्थात गूंगे बोलने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य पर होता है तब मनुष्य का जीवन फलदायक होता है और फलस्वरूप यहाँ जो हमें हमारे जीवन में दो प्रकार का जो हमें रोग होता है, पहले होता है आत्मिक रोग और दूसरा होता है शारीरिक रोग। आत्मिक रोग जैसे आज का जीवन में हम देखते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, तो हम आत्मिक अंधे हैं, अर्थात देख सकते हैं लेकिन हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं लेकिन नहीं यदि बोलते हैं तो हम गूंगे हैं। और दूसरे जो शारीरिक रूप से जो हम देखते हैं, जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं, तो यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ये दोनों बातों को, यहाँ यशायाह नबी दोनों बातों को कहता है कि जब परमेश्वर
इसराइली लोग फलदायक बलि में परिवर्तित होंगे तो जो अंधे हैं, जो बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे अर्थात जो वचन नहीं सुनते थे वह सुनने लगेंगे, और शरीर के जो माने बहरे थे वह भी सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें कुछ भी नहीं सूझता वह देखने लगेंगे, और ये अंधे हैं जो कुछ नहीं सूझता है वह देखने लगेंगे। तो आज निश्चय हमारे जीवन में ऐसे ही घटित होता है। आज हमारे पास हम डॉक्टरों को वैद्यों को विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन आज हमारे परमेश्वर, आज हमारे जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक नस, एक एक हड्डी हड्डी को जानता है, एक एक रोग बीमारी को जानता है। जब हम उन पर विश्वास करते हैं, जब उन पर हम विश्वास करते हैं तो हम आत्मिक रोगों से, जो हम आत्मिक रूप से अंधे हैं, गूंगे हैं, उससे भी चंगाई पाते हैं जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और शरीर के रूप से भी जो हम अंधे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, हम चंगे किए जाते हैं। और जो परमेश्वर को फलवान तो बगन में नंबर लोग होंगे, और नंबर लोगों का जीवन आनंदित होगा, जैसे मत्ती 5:5 में हमें मिलता है, धन्य है वे जो नंबर है क्योंकि वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे, और मत्ती 11:29 में कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मान में दीनता हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त आज उस बातों को हमें सिखा के गए हैं, दिखा के गए हैं, और यहाँ ऐसे ही नबी इस बातों को भविष्यवाणी करता है कि नम्र लोग का जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, और वहां पर जो उपद्रव करने वाले, जो पाप और बुराई करने वाले, उनका नाश किया जाएगा, उनका नाश किया जाएगा। यही बात आज का हम लोग सुसमाचार में जो घटना के तौर पर हम पाते हैं, जो ऐसे ही नबी यहाँ जो भविष्यवाणी करता है, आज मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7:31 से लेकर 37 में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त जो यशायाह नबी भविष्यवाणी किया था कि अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे, ये सारे बात यशायाह नबी भविष्यवाणी किया था, और वो बात आज यहाँ प्रतिपलित सत्य रूप से घटित होता है। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त सूर और सैदा होकर देशों से निकलकर गलील के झील पर पहुंचता है, तो लोग एक बहरे था और जिसको गूंगा कहे, चाहे जिसको हकलाता था अर्थात बोलने नहीं सकता था, यीशु के पास ले आते हैं और यीशु से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि उस बहरे और उस गूंगे मनुष्य के ऊपर में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना हाथ रखे। तब प्रभु यीशु ख्रिस्त उस व्यक्ति को जो बहरे था और जो हकलाता था उसको उस झुंड से अलग करके ले जाता है, और उस बहरे के कान में अपने अंगुलियों को डालता है और थूक लगाकर उसका जीभ को छूता है और कहता है इफ्ताह अर्थात खुल जा, और वह स्वर्ग की ओर अपने नाजरों उठाता है और देखते हैं कि वो बहरे और जो बोलने में हकलाता था अच्छी तरह से बोलने पाता है, अच्छी तरह से सुनने पाता है, और प्रभु यीशु ख्रिस्त उस व्यक्ति को हिदायत देता है कि किसी से ना कहने के लिए। लेकिन यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त किसी को ना बोलने के लिए, ना बताने के लिए कहते हैं, लेकिन उतना ही अधिक वे प्रभु यीशु ख्रिस्त का महिमा और प्रचार और गवाही देते हैं, और उसके साथ में जो झुंड थे वे कहते हैं कि इनके पास अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने का शक्ति देने का सामर्थ्य है।
कृष्ण में प्यारो, यहाँ इस सुसमाचार वचन में दो बात को यहां देखते हैं। पहला कि उस मनुष्य ने उस गुंगे को, उस बहरे को विश्वास के साथ ले आते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्ट के साथ, और उनका उनके विश्वास को प्रभु यीशु ख्रीस्ट देखता है, जांचता है, और फल स्वरूप उनके विश्वास के फल स्वरूप उस बहरे और उस गुंगे चंगे हो जाता है। और यहां देखते हैं कि साक्षात वे प्रभु यीशु ख्रीस्ट और समर्थ अपने आंखों से देखते हैं और गवाही देते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्ट का महिमा करते हैं। आज हमारे जीवन में भी जब हम शोकित रहते हैं, क्लेशित रहते हैं, दुखित रहते हैं, रोग बीमारों पीड़ित रहते हैं, आज निश्चय हम कोई वायर को, कोई डॉक्टर के ऊपर हम लोग भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो मेरे को अच्छा दवा देता है, चंगा कर देगा। लेकिन ख्रीस्ट में प्यारो, आज हमारे पास सबसे बड़ा वायर, वैद्यों का वायर, डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे बीच में है, हमारे पास है। हमें उस सुखद जीवन देने के लिए वो बुलाता है कि उस पर हम आशा और विश्वास और भरोसा हम रखें और उसके पास आवे, हम निवेदन प्रार्थना करें कि आज हमारे जीवन में जो भी क्लेश है, जो भी रोग है, दुख है, जो भी शोक है, उसको आनंद में परिवर्तित करेगा, हमें एक सुखद जीवन देगा। तो निश्चय इसलिए हम हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट जो हमारे नई वाचा है उसका हम सच्चा सेवक बने, उन पर हम विश्वास और भरोसा रखे, उसी के इच्छा और आज्ञा के अनुसार चले, तो आज हमें प्रभु यीशु ख्रीस्ट उस नए जीवन देता है जो हमें आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई हम प्रदान करता है, और उस नई वाचा में बने रहने से आज हमें उस सुखद जीवन जो स्वर्ग राज का वारिस आज हम सबों को बनाता है, उस वारिस बनने का हम योग्य बन सकते हैं। जैसे आज का उद्देश्य वचन में आज हमें मिलता है कि हमारे योग्यता कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से ही आज हमारे इस योग्यता कि परमेश्वर के संगति में आने का हमें योग्यता, परमेश्वर के उस अनोखे योजना के तहत पर उसके एक लौटे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के इस जगत में आने के द्वारा आज हमें उस योग्यता मिलता है, उसका बेटा बेटी होने का योग्यता मिलता है, उस आनंद सुखद जीवन का भागीदारी होने का हमें योग्यता मिलता है। तो निश्चय आज हम सब कोई इस विपरीत परिस्थिति में हम दिन प्रतिदिन सुबह शाम जब हमें समय मिलता है, जैसे हम लोग का भजन सहित 91 में हमें क्या सुंदर रूप से इस समय के विपरीत परिस्थिति के विषय में आज परमेश्वर का उस संति का वचन कहता है कि हमें उस महामारी से, रोग महारोग से हमें छुड़ाएगा, बचाएगा, वरन हमारे उस डेरे का निवास स्थान को भी रक्षा रखवाली करेगा, जो उनके शरण में, जो उनका पनाह में, जो उनके संगति में जो रहता है, उन पर विश्वास और भरोसा करता है, उनको वो सभी प्रकार के संकट समस्या से उद्धार करता है, छुड़ाता है, बचाता है और सुखद और आनंद जीवन देता है। निश्चय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे और हमारे जीवन एक सुखद और नवीन जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा आज हम सबों को प्राप्ति होने पाए। परमेश्वर इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष देवे, आमीन। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, निश्चय पिता परमेश्वर आज हमें ये सुंदर समय दिया कि यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से होकर तेरे दास और दासी, तेरे बेटे और बेटियां, हाँ पिता परमेश्वर तुझे विश्वास करने हारे, हाँ तेरे वचन का सहभागिता रखने पाए हैं। पिता परमेश्वर वचन का आशीष हम हरेक को बहुत से तू प्रदान कर कि निश्चय पिता परमेश्वर हम हरेक कोई तुझ पर आशा, विश्वास, भरोसा रखने वाला हम बनने पाए, ताकि हम उस नवीन जीवन, उस सुखद जीवन, उस आनंद जीवन का हम योग्यता बनने पाए, वारिस बनने पाए। पिता परमेश्वर तू आप ही सहायता हुई कर सुंदर समय के लिए और तेरे पवित्र अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। पिता अनुग्रह से सुन, सरज में ग्रहण करते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध है ख्रीस्ट यीशु में हम लोगों के हृदय और हम लोगों की मान की रक्षा करेगी, आमीन।
हम लोग तीसरा गीत कुरुप डंडी से गाएंगे, डंडी नंबर 353 कुरुप डंडी गीत नंबर 353। यीशु ना मेनो सवंग राई भाई, यीशु ना मेनो सवंग राई, यीशु ना मेनो सवंग राई भाई, यीशु ना मेनो सवंग राई, यीशु ना मेनो रोगी कोडे माना, यीशु ना मेनो रोगी कोडे माना, यीशु ना मेनो सवंग राई भाई, यीशु ना मेनो सवंग राई, यीशु ना मेनो पाप क्षमा राई, यीशु ना मेनो पाप क्षमा राई, यीशु ना मेनो सवंग राई भाई, यीशु ना मेनो सवंग राई, यीशु ना मेनो लड़े झगड़ा माला, यीशु ना मेनो लड़े झगड़ा माला, यीशु ना मेनो सवंग राई भाई, यीशु ना मेनो सवंग राई, यीशु ना मेनो अक चुनाराई, यीशु ना मेनो अक चुनाराई, यीशु ना मेनो सवंग राई भाई, यीशु ना मेनो सवंग राई। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गस्थ पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों को अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्याय और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर की हुए न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ताओं को एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारे कलीसिया के साफ काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरी आगे चले और अपने जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगलपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि निश्चय इन दिनों इस समय जो कि पूरे देश परम पूरे विश्व इस कोरोना नामक महामारी से पिता परमेश्वर भयभीत है, कहर रहे, करहा रहे। पिता परमेश्वर निश्चय हम सबों को जीवित श्वास में जीते श्वास में भले संघ जीवन दिया, इस निमित्त धन्यवाद देते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
कि इन दिनों के समय में हमारे विनोद एक्का के परिवार जो कि इस कोरोना रोग बीमार से पीड़ित ग्रसित हैं और वे चिकित्सित हो रहे हैं और माँ शारदा टोप्पो वे भी उनका शरीर के रोग बीमार के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे कलिशिया के मिनिस्टर सचिव रेवरेंड अगुस्तुस का वे कोरोना में पीड़ित हैं। हे अब्बा हे पिता एक एक रोगियों के संग में तू हो ले वरना तू आज के वचन के अनुसार जिसे हमें कहता है कि तू हर एक रोगों से तू चंगा करने वाला सामर्थी प्रेम परमेश्वर तू आप ही है। डॉक्टर उनका डॉक्टर वैद्य उनका वैद्य तू आप ही है पिता परमेश्वर। निश्चय हमारे विनोद का भाई हमारे सरदार टोपो माँ और हमारे मान्यवर मिनिस्टर सचिव रेवरेंड अगस्तुस का इन सबों को इस प्रकार के रोग और बीमार से तू आप ही यीशु नाम से चंगाई दे। जो भी प्रियजन होकर जो सेवा दी जा रही है और भी डॉक्टर नर्सों के दर्जे सेवा दी जा रही है जो भी दवाएं दी जा रही है सब में तो आशीष दे कि उनके जीवन के लिए उनके शरीर के लिए गुणकारी होने पाए और वे भले चंगे होने पाएंगे और तुझे धन्यवाद देने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मीना लकड़ा बहन जो कि कोरोना के कारण क्वारंटाइन में थी और निश्चय अभी भी भले चंगे होकर अपने घर परिवार वापस आने पाती है इस निमित्त हम धन्यवाद देते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे कलिशा के जितने भी अधिकारी हैं जो तेरे सेवकगण हैं विशेष करके बिशप सभी पुरोहित प्रचारक पंचगण और जितने भी अधिकारी हैं सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता हर एक के संग में तू हो ले और तू हर एक को इस प्रकार के महामारी रोग महारोग से तू आपके सुरक्षित के जीवन दे के भले चंगे रहते हुए हाँ पिता परमेश्वर तेरे स्तुति के महिमा के साथ हर एक अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस कोरोना के कारण जितने भी डॉक्टर नर्स और पिता परमेश्वर जितने भी आंगनबाड़ी कर्मचारी आशा कर्मी पुलिस और जितने स्वेच्छा सेवक सेविका सफाई कर्मचारी इन सब नियोजित हैं उनके संग में तो हो ले उनको पिता इस प्रकार के रोग और बीमार से तो उन्हें सुरक्षित के जीवन दे शरीर की बल शक्ति सामर्थ्य बुद्धि और ज्ञान दे और वही करके पिता परमेश्वर निष्ठा के साथ में वे सेवा की काम करने पाए और उसमें तो आप ही आशीषित करना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर निश्चय आज पवित्र दिन में जो तेरा आराधनालय इस कोरोना के कारण पिता परमेश्वर बंद है निवेदन है प्रभु तो होने दे कि इस कोरोना नामक रोग और बीमार को तो आप ही मिटा दे दूर कर दे ताकि जो पवित्र उपासना पवित्र भवन खोलने पाए और उसमें पिता परमेश्वर हम सबको एकत्रित होकर तेरा स्तुति और धन्यवाद और महिमा करने पाएंगे। पिता परमेश्वर तू आप ही सहायता हुई कर हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे सब मनुष्यों की त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको पश्चाताप भी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हुए हमारे प्रतिदिन के रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे और हम सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे आमीन। Yeah.